हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शर्मा जी सुनिए। एक मिनट बहन जी, आज जो शो है आज का दोस्तों। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं शर्मा जी बोल रही हूँ, तुमसे बात करनी है। बाद में आना प्लीज, जाओ। हेलो, बाद में कब? अब 9:30 हुए ना, तो एक काम कर, 2042 में आ, चल। मेरे गेस्ट आने वाले हैं, जाओ यार। तेरे गेस्ट आते ही आते हैं, जाते नहीं ना, जो आया वो इधर ही पड़ा है, जा ही नहीं रहे वो। देखो बातें मत बनाओ फालतू में। देखो मेरी बचपन की फ्रेंड ना शांति देवी आने वाली है मुझसे मिलने। बचपन की फ्रेंड शांति देवी? तुम्हारी फ्रेंड? तुम्हारी माँ की फ्रेंड है ये। शांति देवी नाम की तो दादियां भी बंद हो गई आनी आजकल मार्केट में। तुमने उसको दोस्त रखा हुआ है? इसको मेरे दोस्तों के नाम से भी प्रॉब्लम है। नाम से नहीं, मुझे हरकतों से भी प्रॉब्लम है। पिछली बार इसकी सहेली आई, इतने बड़े आईब्रो, मुझे देख कहती जीजू हमारे घर भी आओ कभी। मैं कहा जा काम कर। एक सेकंड, नहीं मिलना तुम्हें, मत मिलो, मैं अकेली ही मिलूंगी। तुम करते रहना अपने इंटरव्यू सोनी के चमचे। आप देख रहे हो जैसे ये ट्विटर वालों ने लोगों के ब्लू टिक गायब किया ना। हाँ। काश एलोन मस्क मेरी बीवी गायब कर देना, पैर दबाऊ जाके मैं। एक्सक्यूज मी, इतना मुझे तंग कर रखा है। तो मैं ये कह रहा था। एक्सक्यूज मी भाई साहब। जी आंटी जी बोलिए। भाई साहब, मैं किस एंगल से आपको आंटी दिख रही हूँ? मैं किस एंगल से आपको भाई साहब दिख रहा हूँ? 2-2 घंटे जिम जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की आए भाई साहब बोल के निकल जाए। एक सेकंड, आप 2 घंटे जिम जाए, 10 घंटे जिम जाए, क्या फर्क पड़ता है मुझे उससे? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं बेवकूफ हूँ जो पिछले 1.5 मिनट से तुम्हें मनी मन अपना मान बैठा हूँ मैं? व्हाट डू यू मीन अपना मान बैठे हो? रिएक्शन तुम्हारे डेली सोप वाले हैं, और लिपस्टिक तुमने ओटीटी वाली लगाई हुई है। व्हाटएवर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे बिंदु जी से मिलने आई हूँ। व्हाट, बिंदु जी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई, किसी के नाम के आगे भी जी लगा देती हो। बिंदु वाला जी क्या होता है? मैं उसके बचपन की दोस्त हूँ शांति देवी। शांति देवी? तुम हो शांति देवी? तुम्हें शर्म नहीं आती नाम ऐसा रखा हुआ तुमने? अरे जान ना पहचान, इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं आप? वो फ्रैंक मेरी नेचर जो है थोड़ी बॉय फ्रेंडली है, थोड़ी उस हिसाब से मैं थोड़ा हो जाता हूँ। देखिए व्हाटएवर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे बिंदु जी और उनके हस्बैंड कपूर शर्मा से मिलने आई हूँ। तुम कपूर शर्मा से मिलने आई हो? हाँ। क्यों मिलने आई हो? एक्चुअली क्या है ना कि मेरा कोई भाई नहीं है, और बिंदु जी ने कहा था कि कपूर शर्मा को, बिंदु जी ने बोला कि कप्पू जी को राखी बांध दो और भाई की कमी भी पूरी हो जाएगी। भाई का कमी क्या मतलब है? मुंबई में लोगों की पानी की कमी नहीं पूरी हो रही, अब भाई की कमी पूरी कर रही है। कितनी खूबसूरत और सेल्फिश हो तुम। अरे यार आप इतना क्यों भड़क रहे? एक सेकंड, आप कहीं बिंदु जी के हस्बैंड? तुम बेवकूफ हो, इतना हैंडसम लड़का उसका पति हो सकता है? मायसेल्फ जतिन, जतिन सिंगल। जतिन सेकंड, सिंगल कोई सरनेम तो नहीं होता? सरनेम नहीं होता, बंदा तो सिंगल होता है ना, वो वाला सिंगल हूँ मैं। हाँ, जिसके लिए लड़कियाँ वो सपने देखती हैं, वो वाला सिंगल हूँ मैं। God, whatever. Whatever, एक तो मैं सोच रहा हूँ whatever ना होता तुम्हारा तो आधा एटीट्यूड खत्म हो जाता। Whatever. ये कैसा चोंच रखी हुई तूने? शो ना शुरू करना होता मैं तुम्हें अभी हक से बताता मैं कि मैं कौन हूँ। हक से? हक से? हक से नहीं होता, हक से होता है, हक से। तो जिसका हक होगा वो हक भी तो करेगा फिर। वो फिर एक मिनट, अभी आपने बोला था कि आपको शो शुरू करना है। हाँ। पर शो तो कपूर शर्मा शुरू करता है। करता था वो। अच्छा, अब जतिन करता है। चैनल ने निकाल दिया उसको। क्यों निकाला उनको? उसकी बीवी की वजह से निकाल दिया, बोलता उसका नाक सेंटर में नहीं है। तो आपको पता है उसकी बीवी कैसी है? आपको तो पता ही है सारी बात का। व्हाट डू यू मीन बाय कैसी है? मेरे बचपन की दोस्त है वो। बचपन में बातें अलग होती है मैडम। बचपन में तो क्या, बच्चों को चॉकलेट देके कोई भी बात मनवा लो। अब मेरे मन में जो बात है, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम मानोगी? नहीं नहीं। देखा, नहीं मानेगी। देखा, मैंने इसलिए बोला बचपन की बातें अलग होती मैडम, जवानी की बातें अलग होती है। हाँ। आपको पता है मैंने अभी अभी ना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ना बिंदु जी और कपूर शर्मा से कुछ इंटरव्यू सीखने आई थी, पर ठीक है फिर चलती हूँ मैं। अरे चलती कहाँ, किधर चलना है? मैं हक नहीं करने वाला, ऐसे पोज बना के खड़ी हो गई।
मैं इसलिए रोका, देखो मैंने ही तो सिखाया कपूर शर्मा को इंटरव्यू लेना। अच्छा हाँ, और क्या, नहीं तो पहले तो उसकी टांगे कांपती थी, मैं टेबल के नीचे बैठता टांगे पकड़ के उसकी। आपको मैं सिखाऊंगा, आपकी टांगे तो नहीं कांपती। नहीं नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ कपूर शर्मा को सिखाया है। क्या? हाँ। तुम्हें नहीं लगता? नहीं। सबूत दूं मैं? ये देखो, उसने अंगूठा दिया गुरुदक्षिणा में मुझे। ये उसका अंगूठा है कपूर शर्मा का। अगर ये उसका अंगूठा है तो तुम्हारा अंगूठा कहाँ गया? वो मुझे बचपन में अंगूठा चूसने की आदत थी, मैंने चूस चूस के खत्म कर दिया। ये कपूर शर्मा का है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें लगता बड़ा है, जहाँ गले लगना चाहिए वहाँ तुम लगती नहीं हो, लगता तुम्हें बड़ा है। तुम्हें डांस आता है? डांस और इंटरव्यू का क्या लेना देना है? इंटरव्यू किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए। डांस किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए। तो हुई की नहीं बात है, तो हम पहले डांस सीखेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हें बिंदु से मिलवाना नहीं मिला। ए बिंदु। अरे शर्मा जी, मेरी दोस्त आई क्या? अरे शांति। अरे ओह माय गॉड, बिंदु बिंदु बिंदु। अरे हाँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कब आई? मैं तो बहुत पहले आ गई थी, ये जतिन जी मुझे इंटरव्यू सिखा रहे थे। कौन? जतिन जी। जतिन जी। ये जतिन जी नहीं, तुम्हारी जीजा जी कपिल शर्मा हैं। चार किशमिश कम है। सरप्राइज। मैं मजाक कर रहा था, जीजा दादी का मजाक होता है, वो देखो कैमरा। इट वॉज अ प्रैंक। अच्छा, दैट्स व्हाई आई वाज बिकमिंग फ्रैंक। अच्छा, फ्रैंक फ्रैंक खेला जा रहा है। यहाँ तो तुम मेरी फ्रेंड से मिलना भी नहीं चाह रहे थे, अब बड़े ही बत्ती से निकाल के बातें कर रहे हो। तुमने कहा था फ्रेंड आ रही है, तुमने ये थोड़ी बताया था कि बड़ी खूबसूरत फ्रेंड आ रही है। पहले बताया होता तो हम उस हिसाब से। ये पता है क्या कह रहे थे कि आपकी वजह से इनको चैनल वालों ने निकाला है और आप बहुत खराब हो। मैंने सिर्फ ये बोला था कि तुम्हारी वजह से निकाला है, बहुत खराब इसने तुम्हारा मुंह देखने के बाद अभी इम्प्रोवाइज किया। शांति अंदर चले। अंदर मैं ले जाऊंगा तुम। बिंदु जी, पहले मैं कप्पू भैया को राखी बांध दूं। राखी क्यों बांध लूं? मेरी राखी खुली हुई है। क्यों बांध लो राखी? इतनी सीनियर तुम्हारी, 10 साल हो गए इस शो में, वो जब बोल रही है अंदर चलो, इधर क्यों खड़ी हो तुम? चलो अंदर। अर्चना जी, 20 साल पहले फिल्म आई थी हासिल। हाँ। क्या कमाल की फिल्म थी। कॉलेज पॉलिटिक्स पे बेस्ड इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस में गर्मी इतनी बढ़ा दी थी। और आज हमारे बीच उसी फिल्म की टीम मौजूद है। चलिए उन्हें बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम डायरेक्टर मिस्टर तिग्मांशु दुलिया, मिस्टर जिमी शेरगिल, मिस्टर ब्रिजेंद्र काला, मिस्टर वरुण बडोला एंड ऋषिता भट्ट। आइए ऋषिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। जिमी पाजी पहले हमारे शो पे आ चुके हैं, वरुण आ चुके हैं, ब्रिजेंद्र सर पहली बार आए हैं, तिग्मांशु सर पहली बार आए हैं और रिश्ता भी पहली बार आई है। अच्छा देख लो, जिमी पाजी और रिश्ता को देख के लगता ही नहीं है कि ये फिल्म को 20 साल हुए हैं। वो तो शुक्र है वरुण पाजी और तिग्मांशु सर साथ में आए हैं। इनको देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि 20 साल हो गए। सीरियसली ऐसा लग रहा है हासिल रिलीज होने वाली है और ये प्रमोशन करने वाले हैं। वाह क्या बात है, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज रिशिता, आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, तो हमसे रिशिता बनाने में इतनी देर कैसे लगा दी आपने? पहली बार आप आई हैं। आपने बुलाया नहीं तो मैं। अरे हमें पता नहीं था, हासिल कर दिया मैंने मुकाम आने का, तो आ गई हासिल के साथ। हमें पता नहीं था बुलाने पे आप आ जाती, नहीं तो हम कब से बुला लेते आपको। गर्मी की बात हो रही थी आपके आने से पहले। तो रिश्ता, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? भारत में बड़े सारे मौसम आते हैं, ऐसा कोई मौसम जिसमें होता ना कि आदमी आपको फ्लर्ट भी करे तो आपको गुस्सा ना आए? जैसे गर्मी में तो आपको कोई आदमी कॉम्प्लीमेंट भी दे तो आदमी कहता हाँ थैंक, इतना एक्सप्रेशन आता आदमी का। सर्दी तो होती नहीं है, बम्बईया हूँ मैं, बम्बई में इतनी तो होती नहीं है, बट आई लाइक द विंटर। बारिश का मौसम मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे बहुत लोग कहते हैं मौसम अच्छा होता है, इट्स रोमांटिक, बट मेरे लिए बिल्कुल नहीं। सर्दियों का मौसम, नई नई शादी होती ना उनके लिए रोमांटिक होता है बारिश का मौसम, है ना? जिसकी शादी को 20-25 साल हो जाते हैं वो कहते हैं कीचड़ ही कीचड़ है यार, कहाँ जाए। उनको फिर ना वो रोमांस में कीचड़ दिखना शुरू हो जाता है। तिग्मांशु सर, मैंने एक फिल्म की थी अभी नंदिता जी के साथ, तो मैंने उनको कहा कि अब ये फिल्म अगर मैं दोबारा करूंगा ना
तो शायद मैं बहुत अच्छा करूंगा। कहती हाँ मेरा भी ये कहना है कि अब मैं इसे डायरेक्ट करूंगी ना तो और अच्छा करूंगी। आपको भी कभी लगता है ऐसा तिग्मांशु सर कि अगर आज मैं हासिल बनाता तो मैं उसमें कुछ, आपको लगता है कभी ऐसा? नहीं, नहीं लगता। तो मेरी चैनल से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने इतनी 50 लाइनें बोली वो भी हटा दी जाए, क्योंकि अगर 50 लाइनों के बाद इतना ही जवाब नहीं तो वो भी फिर खराब लगेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी और जिमी की आदत है बिल्कुल बात नहीं कर। जब हम शुरुआत में जब शुरू शूटिंग करते थे और मैं बम्बईया लड़की व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स द सीन व्हाट्स द शॉट, पहले तो मेरी अंग्रेजी इन्होंने पहले सुधार दी, फिर हिंदी में बेटा हिंदी में बात करनी है। उसके बाद तिग्मांशु धूलिया और जिमी शेरगिल को पहले दिन मैं मिली, आप यकीन नहीं करोगे मैं बहुत बात करती हूँ और ये दो खामोश व्यक्ति मेरे सामने, और मैं इतनी टेंशन में आऊँ कि ये लोग कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मतलब इनका होता था आंखों से इतना। अब काम के बाद आदमी काम करेगा बाकी करेगा भाई। आप मेरे डायरेक्टर थे, आपको पूछ रही हूँ, मगर आपका ये ऐसे वक्त आता है बात करने का, जब जिमी हाथ थोड़े भारी होते हैं तब करते हैं। जिमी को कुछ पूछू तो बोलते यार रिश्ता या, एंड वो कॉफी पिए जाए। हासिल जब बनी ये ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं, अब थोड़ा बोल देते बस हल्के और दो लाइन आ जाती है। मैं भी जिमी सर को 20 साल से जानता हूँ, 20 साल में हमने टोटल 12 बातें की हैं आज तक। पर वे फिर काम ही ऐसा करते कहते हमारा काम बोलता है। अच्छा ब्रजेंद्र सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, ये ऐसे कमाल के अदाकार है, यहाँ पे थोड़ा इनके चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, नहीं तो फिल्मों में ज्यादातर ना ये परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। मैं तो जब आपको देखता था ना, मैं जब आपसे मिला नहीं था तो मुझे लगता था कि ब्रजेंद्र भाई कभी सब्जी लेने भी जाते होंगे ना तो सब्जी वाला इनको बताता नहीं होगा कि टमाटर महंगे हो गए, क्योंकि वो सोचता होगा कि भाई साहब पहले इतने परेशान हैं, इनको क्यों और परेशानी देनी ना। ब्रजेंद्र सर ये जो कभी दुखी वाला किरदार होता है इसके लिए आपको ऑडिशन तो नहीं देना पड़ता होगा? ये तो मैं चलते चलते कर दूं। नहीं ऐसा नहीं होता, क्या होता है कि आप अगर सब कुछ अपने चेहरे से ऐसे ही एक्सप्रेस कर देंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि मतलब कि कॉमेडी कर रहा है कि सीरियस कर रहा है। सबको जो भी देते हैं आप कहते हैं बहुत सीरियस आदमी है ये, लेकिन कम से कम जब स्क्रीन पे देखते हैं तो लगता है उनका घर यार ये भी हंसा देता है। नहीं, पर आप जो भी करते बहुत कमाल करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।